इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी तुहाडा स्वागत है। आज असी गाजर की बर्फी बनावांगे। जेदी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां ओह भी प्लीज़ कर दिओ, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि साडी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। हुण इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असीं तुहानू दिखाने आ। आ देखो, सब तो पहले असीं गाजर असीं लई सी ते इहनू असीं उपरला पतला छिलका असीं थोड़ा थोड़ा उतार के अगों पिछों गाजर नूं कटता सी ते उस तों बाद असीं इहनू ग्रेड कर लिया। ग्रेड देखो जी, असीं मीडियम वाले पासों कीता, ना मोटे वाले पासों तो ना ज़्यादा बरीक वाले पासों, जरा ज़्यादा मीडियम हुंदा उहदे वाले पासों असीं ग्रेड कर लिया। तो ग्रेड करन तों बाद इहदा वेट 700 ग्राम है ते इहदे वास्ते असीं 250 ग्राम चीनी लई है ते थोड़े जिहे असीं बादाम कट करके रखे इहनू गार्निश करन वास्ते। तो इहदे वास्ते बस होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो असीं इहनू बनाउणा शुरू करदे हां। देखो जी, असीं इहनू कढ़ाई 'च एंटर करता है ते इहदे असीं नाल दे नाल इहनू कढ़ाई सी असीं मीडियम फ्लेम ते असीं रखिया होया इहनू बहुत ही आसान है गाजर की बर्फी बनानी। इहदे 'च कोई असीं इहदे 'च घी नहीं यूज़ करना, कोई असीं इहदे 'च दुध नहीं यूज़ करना, कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी, सिर्फ चीनी और गाजर। और ये जिनी बनानी आसान है उन्नी ही स्वाद बनती है और हेल्दी होंगी खानी है। ये कोई चीनी भी असी ऐड करती, असी मीडियम फ्लेम से असी चीनी और गाजर नूं हिलाई जाना जब तक कि चीनी अपना पूरा मेल्ट नहीं हो जाती, पिघल नहीं जाती। देखो नाल नाल असी इहनू हिलाते रहे हैं तो चीनी साड़ी देखो जी मेल्ट हो गई, पानी छड़ गया तो इहनू इस तरह हिलाते रहना। तो हुण असी इहनू इहदा जिहड़ा गैस का फ्लेम है लो कर देना इहनू ताकि नाल नाल ये सुकदा भी रहेगा तो गाजर भी ये गल जाएगी तो नाल नाल ये उसी तरह गाढ़ा होता जाएगा ये जिवें जिवें पानी सुकता जाएगा। बस ये लो दे करन तो बाद भी बीच बीच असी कड़छी चलाई जानी तो इहनू हिलाई जाना। ये देखो जी काफ़ी मॉइस्चर है सुक गया, देखो जी हाले दबा के देखो ये देखिए थोड़ा जहा हाले मॉइस्चर हैगा हाले इहनू फिर असी लो फ्लेम पर ही रखिया होया तो इहनू नाल नाल असीं हिलाई जाना। देखो जी इस तरह उपर नीचे करी जाना तो थोड़ा जिहा दबा के देख लो भी हले इहदे 'च पानी है कि नहीं, मॉइस्चर है कि नहीं, जे है तो इहनू पूरा नाल नाल हिलाते रहो तो सुकांदे रहो। बिल्कुल नाल नहीं लगी सकदी। हाँ देखो नाल नाल हिलाते रहना, नीचे नहीं लगन देना इहनू तो थोड़ा जिहा जदों इस दबावेंगे तो पता लग जाता भी इस मॉइस्चर हैगा सारा। असीं लो फ्लेम पर इहनू बस कोई ढक्कन देने की लोड़ नहीं है, ओपन 'च असीं इहनू ओपन 'च असीं इहनू कीता नाल नाल हिलाते रहे नाल नाल गाजर गल गई जी ताली मॉइस्चर सुक रहा। ये देखो जी गाजर की बर्फी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। असी इन जमावे हूँ बर्फी की ट्रे च किसी भी चीज़ जमा सकते हैं, स्टील की प्लेट, बटर पेपर से, अलमूनियम फॉयल से, किसी भी जमा सकते हैं। तो साड़ा मॉइस्चर बिल्कुल सुक गया है तो असी हूँ इनू जमान वास्ते ट्रे च पावे। ट्रे असी थोड़ा जहा ऑयली कर लिया, किसी भी ऑयल ना किसी भी चीज़ ना कर लिया, अभी असी देसी घी नाल कीता इहदे नाल जिहड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता। कोई भी ऑयल कोई भी घी यूज तुसीं कर सकते हो, जिन्नी क जगह से तुसीं जमानी है उन्नी क ट्रे नूं ऑयली कर लो। देखो जी असी ट्रे च इहनू गाजर की बर्फी जिहड़ी बनी है पा देना जी, असी इहनू इकट्ठा करके उस तों बाद असी जिन्ना क मोटा इहनू रखना उस हिसाब नाल असी इहनू किसी भी चीज़ नाल इहनू असी दबा के ते इहदी इहनू बना कर लवांगे। ठीक, ये एक्चुअली इहनू घट तों घट भी इहदे अच्छे पीसिस कट्टण वास्ते 4 घंटे लग जाते ठंडे होने, तुम इन्हों ठंडा होने रख दो, जो ठंडा अच्छी तरह हो जाए फिर ये पीसिस कट्टो तो ज़्यादा जल्दी हो फ्रिज में भी असं रख सकते हैं, फ्रिज जल्दी ठंडी हो जाएगी और जम जाएगा। अब इस तरह से किसी भी हेल्प न चम्मच न किसी भी चीज़ असं इन कर सकते हैं इस तरह। अब किसी भी चीज़ के नाल असं इन जिनी क असी पतली रखनी है उन्ना क असं जिनी जिनी ट्रे असी जमानी है उन्ने पा के स्लो स्लो प्रेस करना, किसी चीज़ नाल भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा दबाओगे थोड़ी पतली भी होंगी है कि जिनी क पतली करनी है उन्ना कू दबा लो। ये देखो जी पूरी तरह प्रेस करके देखो बिल्कुल शेप में असी इन करता है, किसी भी चीज़ की हेल्प के ना शेप इधर शेप बना सकते हो। तो ये उपर असी हूँ जरा ड्राई फ्रूट बादाम असी कट के रखे हुए थे ये उपर असी अभी थोड़ी देर पा देने, होर भी अगर कोई ड्राई फ्रूट पाना चाहते तो पा सकते हो लेकिन असी सिर्फ बादाम ही पा रहे हैं। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा इन बिखेर के उत्तों थोड़ा थोड़ा इनू प्रेस कर देना ताकि ये थोड़े थोड़े अंदर चले जाएंगे तो जम जाते हैं फिर। हाँ देखो थोड़े थोड़े असी किसी भी चीज़ की हेल्प ना इन्हों
इन्हों प्रेस कर देना ताकि थोड़े थोड़े अंदर चल जाएंगे और जो तो 4 घंटे बर्फी पई रहेगी तो बहुत अच्छी ये जम जाएगी। तो उस तो बाद असी ये पीसिस कटांगे, जे बहुत जल्दी हो फ्रिज के रख के असं जमा सकते हैं तो अद्धे पौने घंटे की जम जाती है। देखो 4 घंटे हो गए, बर्फी साड़ी पूरी तरह जमी पई तो असी हुण अपने मुताबिक जिवें सानू पीसिस चाहिए असी इस कट लगा लेना। ये देखो जी पूरे असी कट लगाते एज पर रिक्वायरमेंट जिस तरह के पीसिस सानू चाहिए ने। देखो इस तरह पीसिस साढ़े 4 घंटे साड़ी बर्फ जम के बिल्कुल तैयार है। बड़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी बर्फी बनती है जी, बहुत टेस्टी है। आ देखो बर्फी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। इसी तरह असं सारे पीसिस कढ लेने। गाजर की बर्फी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है, उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगी। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दिओ कि तुहानू कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।